एक रास्ता होता है और एक सफर होता है, लेकिन बास सफर बहुत दुश्वार होते हैं। आप चाहे या ना चाहे आपको उसका इंतखाब करना होता है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। जिन स्टेशन पर आप रुके शायद वहाँ आपको दर्द मिले। लेकिन आप आगे बढ़ते रहे। लोग वो मुंतखब नहीं कर सकते जो उनको चाहिए, जैसे वो कहाँ पैदा होंगे, कहाँ पले बढ़ेंगे, नहीं तय कर सकते। लेकिन मोहब्बत को चुन सकते हैं, हार जीत का फैसला नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते का तायुन कर सकते हैं। उन लोगों का इंतखाब कर सकते हैं जिनके लिए खड़े हो, दोस्त, अच्छाई और खूबसूरती। रास्ता आपको उम्मीद से मायूसी की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती। आप गिरते हैं, दोबारा दौड़ना चाहते हैं एक खुशगवार इख्तिताम के लिए, लेकिन यह आसान नहीं होता, क्योंकि कुछ अयार लोग हमेशा आपको रोकने के लिए एक गेट मौजूद रहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि कुछ यूं हुआ। ये 150 साल पुराने बीच है, मेरे दादा के वालिद से मेरे दादा तक, मेरे दादा से मेरे वालिद और मेरे वालिद से मुझे मिले। हमें इनकी कदर जाननी चाहिए, इन्हें जिंदा रखना है बेटा। इंसान को अपनी औलाद को छोड़कर जाना पड़ता है, और वो ये बीज हमारे लिए छोड़ गए। आ रही हूँ। चलो बच्चों जल्दी करो, रुको। मेलिसा,
लानत हो तुम पर। क्या किया ये तुमने? देखो जरा क्या हशर कर दिया। कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता। मुझे माफ कर दे, वो बच्चे आ गए, मैं संभाल नहीं पाई। माफ कर दे मुझे। खबरदार जो मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाया तो। तुम निकम्मी और बेशरम लड़की हो, निकलो यहाँ से। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं अम्मी, ऐसा मत करे, मुझे माफ कर दे। अब मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझ गई तुम? मेरी कोई गलती नहीं है। पाँच मिनट क्या? पाँच साल भी मेरा इरादा नहीं बदलेगा। तुम यहाँ से दफा हो रही हो, मुसीबत हो तुम। प्यारी अम्मी, खुदा ना दरवाजा खोल दे। आप भी जानती हैं ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ बैठी रहूंगी और इंतजार करूंगी। यकीनन। बहुत खूबसूरत है ये। मुझे हाथ से किया काम पसंद है, जो मुसव्विर अपने रंगों से करते हैं। मुजस्समा साज संगमरमर से करते हैं और खवातीन अपने सुई धागे से करती हैं। लेकिन उन्हें वो सिला नहीं मिलता जिसके वो मुस्तहिक हैं। पता नहीं, हो सकता है। बहुत अच्छा काम हुआ है। ये दो कबूतर मोहब्बत में हैं। शायद ये आपकी बीवी ने बनाया है। एक कबूतर आप हैं, दूसरी वो। नहीं, मेरी बीवी नहीं है। फिर आपकी दोस्त? नहीं, वो भी नहीं। फिर तो कोई वो है जो आपसे दूर है और बहुत प्यार करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो अम्मी? मेरी बहन, उन्होंने बनाया है, मेरी बड़ी बहन ने। फिर ठीक है। मेरे ख्याल से अपने पास इस तरह से रुमाल रखना बहुत रुमानवी है। आपकी बहन का मिजाज रुमानवी होगा। मैं अब उनको तसव्वुर कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगता। वो शायद हर रोज अपनी कॉफी पीते हुए आसमान को देखती होंगी, क्योंकि रुमानवी लोग आसमान की तरफ देखना पसंद करते हैं। ख्वाब देखने वाले भी। मैं भी ख्वाब देखती हूँ। वो शायद अपनी कॉफी पी रही होंगी और साथ अपना काम भी कर रही होंगी। सुइयां, धागे, बेले और कढ़ाई, तकिए के गिलाफ और रुमाल की सजावट। वैसे तो आजकल लोग नैपकिन इस्तेमाल करते हैं। जानता हूँ। पता चला कागज दरख्तों से बनते हैं और मुझे ये बात उदास करती है। लगता है कागज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके लिए दरख्त को ना काटा जाए। बिल्कुल सही कहा। मेरे पास आकर रुमाल देने के लिए शुक्रिया। अब मैं ख्वाब देख सकती हूँ और बेहतर महसूस कर रही हूँ। कुछ देर में ना तो आप यहाँ होंगे और ना ही ये दो खूबसूरत कबूतर वाला रुमाल होगा। मुझे यतीम खाने जाने से खौफ आता है, और शायद आपकी बहन को ख्वाब में देखने का भी फायदा ना हो। यतीम खाना कैसे भी बदतर है वो। पता नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे जख्मी लोग हैं वहाँ।
उनकी रूह भी जख्मी है, बल्कि बहुत ज्यादा जख्मी। जैसे आपका जला हुआ हाथ, उनका दर्द महसूस करना हो तो वो आसानी से आप जिस्मानी तौर पर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, शायद हाँ। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए वो सबको तकलीफ देना चाहते हैं। वहाँ पर हमारे पास ख्वाब देखने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उस जहान को पीछे छोड़ दिया है। मैंने अच्छी और खूबसूरत जिंदगी के लिए सफर किया, लेकिन मुझे मेरी बेवकूफियों की वजह से वापस भेजा जा रहा है। अम्मी मुझसे बहुत गुस्सा है। काश मैं बहुत एहतियात करती, वो मुझे वापस भेज के रहेंगी। यतीम खाने में आपकी उम्र जितनी ज्यादा हो जाती है, उतना ही घर मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ और बदसूरत भी हूँ, और बड़ी भी बहुत जल्दी हो गई मैं। इस सब की वजह से मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि खानदान क्या होता है, और मुझे निकाल दिया जाएगा। मेरी बातों से आप परेशान हो गए, मैं माफी चाहती हूँ। ये ले, तुम रख सकती हो इसे। नहीं, ये नहीं रख सकती। ये मेरे लिए एजाज है, लेकिन नहीं रख सकती मैं। मेरे लिए इसे रखना नामुमकिन है, बहुत कीमती है। अगर आप इसे मेरे आंसुओं की वजह से नहीं ले रहे, तो मैं इसे धोकर इस्त्री करके दे देती हूँ। नहीं, तुम वाकई इसे रख सकती हो, हमारे पास बहुत है। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? मैं सारी जिंदगी इसे संभाल कर रखूंगी। ये मेरे लिए रुमाल नहीं, बल्कि एक बहुत कीमती शय है। मैं इसके जरिए ख्वाब बुनूंगी, और उनमें आपकी बहन शामिल होंगी। तुम हमेशा खुश रहो। शुक्रिया। आपकी और आपकी बहन की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए। शुक्रिया, ख्याल रखना अपना। शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? मैं लिसा, लेकिन दो एस के साथ। क्या मतलब दो एस के साथ? बास लोग एक एस इस्तेमाल करते हैं। कोई फर्क पड़ता है इससे? असल में ये है तो एक ही भूल, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे लगता है हर हर्फ अहम है। वैसे भी मैं लिसा हूँ, मैं लिसा नहीं। और जब ये दोनों एस एक साथ है, तो मैं एक को क्यों छोड़ूंगी? नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? आपके साथ? हाँ, मेरी बहन तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाएगी। वैसे तुम इसके लिए छोटी हो। कॉफी तो पसंद है, अगरचे वो मुझे भेजने का सोच रही है, मुझे यही इंतजार करना है। उम्मीद है कि वो मान जाए। माना, आप एक अच्छे और रहम दिल इंसान हैं, लेकिन मैं एक अजनबी के साथ कैसे जा सकती हूँ? सही कहा। आ
कहना चाहती हो? क्या हुआ? कौन हो तुम? बताता हूं, मैं मेदन बालता जी हूं। सब्जवादी से हूं मैं, शहर से। सब जानते हैं हमें। इस पर मेरा नंबर और पता दर्ज है, देखिए। तो मुझे इससे क्या? मैं कह रहा था कि मेलिसा आज हमारी मेहमान बन सकती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लड़की मेरी कानूनी जिम्मेदारी है, अभी बुलाती हूँ पुलिस को मैं। आप गलत समझ रही हैं मुझे। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही, अभी बुलाती हूँ पुलिस को। रुकिए, कम अज कम पुरसकून होकर मेरी बात तो सुने। वैसे मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरी बहन भी मेरे साथ रहती है। लेकिन अगर आप वाकई पुलिस को बुलाना चाहती हैं तो बुला लें। हाँ ले जाओ इसे, मैं कौन सा मर रही हूँ इसके लिए? जो चाहे करो इसके साथ, इसने घर में सब कुछ तोड़ दिया है। अब तो मैं इस लड़की से बिल्कुल बेजार आ गई हूँ। मैं यतीम खाने में बात कर लेती हूँ, तुम और वो फैसला कर लेना। चाहे वो तुमसे लड़की आकर ले जाए या पुलिस की गाड़ी भेज दे तुम्हारे दरवाजे पर। मैं जा रही हूँ, जो करना है करो। टेलीफोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया से कोई वास्ता नहीं है। मेरे पास ये सब नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं होती। मुझे किताबें बहुत पसंद है। वैसे मेरा सर तो तफरी से भरा हुआ है, इसलिए मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। वैसे हमारे घर में बहुत किताबें हैं। क्या वाकई में? मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं हमेशा से ऐसे घर में रहना चाहती थी जहाँ सैकड़ों हजारों किताबें मौजूद हों। क्या मैं उन किताबों को छू सकती हूँ? ना, मैं उन्हें उनकी जगह पे वापस रख दूंगी। यकीनन। बस और क्या चाहिए? घोड़े, परिंदे, तारा, मुर्गियाँ, किताबें, आपके पास सब कुछ है जिससे मुझे मोहब्बत है। मैं आपके खेत देखने के लिए बेचैन हूँ, वहाँ पहुँच कर आप मुझे सब कुछ दिखाएंगे ना? ये मंजर कितना खूबसूरत है, इसमें सारे रंग मौजूद हैं। हमारी जमीनें ऐसी ही रहती हैं। आप सच कह रहे हैं? हाय, मैं तो वहाँ जाकर देख कर सब कुछ पागल ही हो जाऊंगी। ये सारी जमीनें आपकी हैं? मतलब आपके पास लगातार जमीनें मौजूद हैं? नहीं, हमारे पास इतनी जमीनें नहीं हैं और घर भी कुछ खास नहीं है हमारा। मेरे ख्याल से आपकी जमीनें बाकी जमीनों से ज्यादा खूबसूरत हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है मैं वहाँ जाकर बहुत खुश रहूँगी। अगर बिस्पान में सामाजिक खिदमत वालों को फोन करना भूल ही गई या फिर कोई मुझे यहाँ पर लेने नहीं आया तो कितना अच्छा होगा ना? मेरी जिंदगी में मोहब्बत बढ़ जाएगी। या अल्लाह, ये एक दिन जो बहुत बुरा शुरू हुआ था अब कितनी अच्छी तरह खत्म हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है। क्या शीशा उतार सकती हूँ मैं? ताजा हवा में सांस लेना चाहती हूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं। पहले मैं दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की थी और अब मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ आपकी कुदरत से। अच्छा, अब मैं कुछ देर खामोश रहूंगी ताकि इस प्यारी खुशबू को अपने अंदर उतार सकूं। Thank you.
खुशबू है, घर जैसी। चलो आ जाओ। तुम्हें देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम आइनू साहिबा, आपको इसी तरह मुखातिब करूं? अलैकुम अस्सलाम। मैथिन, ये लड़की कौन है? मैं मेलिसा हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। मैथिन, तुमने बताया नहीं तुम किसी को साथ लाओगे? मौका नहीं मिला मुझे। मतलब कौन है ये लड़की? ये बच्ची अल्लाह की मेहमान है। तो ये अल्लाह की मेहमान है। लड़की तुम जरा यहां बैठ जाओ और मैथिन तुम मेरे साथ अंदर चलो। अब बताइए मुझे मैथिन साहब, क्या मामला है ये? गांव में इस यतीम लड़की को मेरे सामने घर से निकाल दिया गया। और तुम उसे उठाकर हमारे घर ले आए? अब क्या हम सड़क से लोगों को जमा कर रहे हैं? वो इसे यतीम खाने भेज रहे थे। तो हमारा क्या ताल्लुक? अगर पुलिस हमारे घर आ गई तो क्या होगा? लेकिन पुलिस क्यों आएगी यहाँ पे? मैंने उसे अगवा तो नहीं किया। मैंने उस औरत को अपना कार्ड दे दिया जो इसे निकाल रही थी, उससे पूछ कर लाया हूँ। हाँ, जैसे वो औरत कुछ बोलेगी ही नहीं ना। मैथिन, तुम्हें लगता है कि ये कोई गैर मामूली बात है? पता नहीं, उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। जल्दी और बगैर सोचे समझे। ये बहुत रो रही थी। हर रोते हुए बच्चे को घर ले आओगे? रो रो कर बुरा हाल था माहीनूर, वो उसको वापस यतीम खाने भेज रहे थे। तो क्या हुआ मैथिन, क्या हुआ? आप वहां होती तो उसे छोड़ देती क्या? हाँ, मैं छोड़ देती। वो लड़की यतीम है, उसे यतीम खाने जाना चाहिए। पता नहीं कौन लड़की है, कहने को कुछ भी हो सकता है। पुलिस शामिल हो सकती है, केस बन सकता है। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? खुदा के लिए इसे वापस छोड़ के आओ जल्दी। ताल्लुक था मेरा। अच्छा ठीक है, चलो। तुम्हें लड़की पे तरस आ गया, तुम उसे घर ले आए, लेकिन इंसान कम से कम फोन तो कर सकता है हाँ, कि ये वाकया हो गया है और मैं ये करने वाला हूँ, क्या ये ठीक है? हमारे पास फोन है मैथिन। मुझे नहीं मालूम, मुझे ख्याल नहीं आया उस वक्त। अब क्या करना है? हम रख लेते हैं इसे। क्या रख लेते हैं? आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैथिन, सोच समझ के बात करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो। गोद ले लेते हैं। नहीं रख सकते। बच्चे गोद लेने के और भी कई दूसरे रास्ते होते होंगे, ठीक है? दुआ करो कि वो लोग तुम पर लड़की अगवा करने का मुकदमा ना करते। अगर उसके घर वालों ने हमें परेशान किया उसका तो उसका कोई खानदान नहीं है। वो औरत भी इसे रखना नहीं चाहती। आप तो कह रही थी ना कि हमें घर के कामों में मदद के लिए कोई बच्चा रख लेना चाहिए। हाँ कहा था मैथिन, पर ये थोड़ी कहा था कि बच्ची ले आओ। मैंने कहा था हमें एक मेहनती नौजवान तलाश करना चाहिए जो बाहर कमरे में रहकर खेतों का काम सीख सके, बुढ़ापे में हमारा और हमारे काम का बोझ बांट सके। वो बच्ची क्या काम करेगी? इसलिए कि वो लड़का नहीं है। किसी को खेत में मुलाजिम रखकर उसे काम सिखाना एक बच्ची की जिम्मेदारी उठाने से बहुत मुख्तलिफ है। वो उसको मारती है, हाथ उठाती है वो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो। पहले सुकून से खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं इस मौसम पे।
मैतिन ने मुझे फोन करके नहीं बताया था, इसी वजह से खाने में कुछ ज्यादा एहतमाम नहीं कर सकी मैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मेहमानों को जो मिले खा लेना चाहिए। दुरुस्त। सबर शुक्र से खाना खा लेना बहुत अच्छी आदत है। यतीम खाने में पलने वाले नखरे नहीं करते, हमें वहाँ जो भी मिले खाना होता था, और अगर ना खाते तो हमें वहाँ भूखा सोना पड़ जाता था, इसलिए अब आदत सी हो गई है। तो यानी तुम्हें सारे खाने पसंद हैं? नहीं, मुझे सारे खाने तो पसंद नहीं है। जिस खाने को मैं पसंद नहीं करती तो ख्वाब के जरिए उसे अपना पसंदीदा खाना समझकर खा लेती हूँ। क्या तुम अपने ख्वाब में खाना देखती हो? बिल्कुल, जैसे मुझे फलियों के ख्वाब आते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। अगर वो मेज पर हो तो फिर मैं जालिम चुड़ैल की कैद में बंद एक शहजादी बन जाती हूँ, और मुझे पसंद है प्रिंसेस हेलेना। अब वो फलियाँ मेरे लिए ऐसे फलियाँ बन जाती हैं जो शहजादे ने मुझे बचाने के लिए जमा की होती हैं, और इनका जायका तो अच्छा होता नहीं, तो मैं इलाज के तौर पर दवा समझकर खा लेती हूँ उन्हें। सुनो, क्या नाम बताया तुमने? मेलिसा, दो एस के साथ। एक एस के साथ हो या दो एस के साथ, क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक ही फूल हैं। देखो, तुम एक बच्ची हो जो बाकी लोगों से जरा मुख्तलिफ सोचती हो, लेकिन दुनिया को मुख्तलिफ सोच पसंद नहीं होती, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें दुनिया के साथ साथ चलना होगा, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। आप भी दूसरों के जैसी हैं। क्या मैं कोई आया है? मैतिन बैठो, तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। रेहान आई होंगी मालूमात लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रेहान। मैं बताए बगैर आ गई, मगर कोई बात नहीं, हम खाना ही खा रहे थे। खाना खा रहे थे? हमेशा गलत वक्त पे आ जाती हूँ मैं, बाद में आती हूँ मैं, ठीक है? इंतजार नहीं हुआ आपसे, जरूर आपने गाड़ी देख ली होगी। मैं वाकई हैरान थी माहिनूर। यकीन कीजिए, आपसे ज्यादा मैं हैरान हूँ रेहान साहिबा। आ जाए अंदर, आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ गई मैं। चप्पल उतार लें प्लीज। रेहान साहिबा, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, आपका बहुत शुक्रिया, ज्यादा देर रुक नहीं सकती आज मैं। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, कम से कम चावल तो चख सकती है ना आप। ठीक है फिर, आप इसरार कर रही हैं तो चख लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेतन साहब, क्या हाल है, सब ठीक है ना? वालेकुम सलाम, सब ठीक, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, बस इस कैद खाने जैसी दुनिया में दिन गुजार रही हूँ। तुम कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, शुक्रिया, आपको यहाँ खुश आमदीद। शुक्रिया प्यारी बेटी, प्यारी है ये माशाल्लाह। माफ कीजिएगा, इतनी रात गए, आपको जहमत देने आ गई। अरे नहीं, जहमत कैसी, खाना शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका। हाय, मैं बता नहीं सकती माहिनूर, ये बहुत लजीज है। आपके हाथ में अगर जायका हो और आप सादी रोटी पर सिर्फ मक्खन लगा दें तो वो भी अच्छा लगता है। तो क्या नाम है तुम्हारा बेटी? मेलिसा, लेकिन। और कहाँ से हो तुम? दुनिया से हूँ। अरे लड़की, अच्छा मजाक है, हम सब दुनिया से ही तो हैं। मैं पूछ रही हूँ कि तुम मशरिक से हो या मगरिब से? दुनिया गोल है आप जानती हैं, और सूरज के गिर्द घूमती है, और ना सूरज निकलता है और ना ही गुरूब होता है, मतलब जब सूरज किसी मुल्क में तुलू होता है तो वो मुल्क मशरिक में होता है, यानी हम सब मशरिक से हैं। बिल्कुल। और ये दुनिया
खला के अंदर मौजूद है तो हम भी खलाई मखलूक हुए ना। अजीब लड़की है, बातों बातों में इसने माशाल्लाह सारा खाना खत्म भी कर लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरी जिंदगी का बेहतरीन खाना था ये। शुक्रिया तुम्हारा। तो अब मैं जाकर जरा पौधों वगैरह को देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो तुम मैतिन के साथ बाहर जा सकती हो। क्या वाकई में? बहुत मजा आएगा। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास कितना वक्त है ये मैं नहीं जानती, और मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। कुछ नहीं छोड़ना मेरी बच्ची, जल्दी जाओ, पता नहीं तुम अंधेरे में कुछ देख पाओगी या नहीं। देखते हैं। कॉफी? अरे अपनी खामोशी की वजह तो बताएं। ब्लैक कॉफी या दूध के साथ? हाँ पी लूंगी, मुतजस्सिस हूँ मैं, इसलिए फायदा उठा लो इसका। आप लोग ये भी उगाते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और वो क्या है? ग्रीन हाउस। घोड़ा भी है? हाँ बिल्कुल है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या हम उसका ख्याल रख सकते हैं, उस बच्ची को इस घर में रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपका क्या कहना है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अव्वल तो कानून हमें बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं देगा। हम दोनों की शादी नहीं हुई है, हमें बच्चे पालने का कोई तजुर्बा नहीं है, और मैतिन बेचारा खुद अभी तक एक बच्चा ही है छोटा सा। वालदा मरहूमा की अमानत है मेरे पास, अल्लाह मगफिरत करे। आमीन आमीन, अल्लाह मगफिरत करे। तो यानी रियासत इजाजत दे तो आपको इतराज नहीं होगा? नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरी अब उम्र हो चुकी है, हमें ख्याल रखने के लिए चाहिए कोई। अच्छा मुझे कानून का तो नहीं पता, मगर माहिनूर आप कह रही हैं कि रियासत इस बात की आपको इजाजत नहीं देगी, लेकिन ये रियासत का काम है, हो सकता है उसे रखने की आपको इजाजत मिल जाए। आप मेतिन को समझाएं, आजकल तो लोग अपनी औलाद पे भरोसा नहीं करते। क्या मतलब है इस बात का? क्या आप कभी टीवी वगैरह नहीं देखती हैं? हाँ, लेपालक औलाद ने सोते हुए अपने माँ बाप का गला काट दिया था। हाय अल्लाह, हम सबको ही किसी कुल्हाड़ी या चाकू जैसी चीज से महफूज रखे। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह बचाए। हाँ वाकई अल्लाह बचाए सबको। वैसे किसी भी अनजान बच्ची को घर में रखना और उसे पालना कोई अक्लमंदी नहीं है, तुम क्या कहती हो माइनूर? कह तो आप सही रही है, लेकिन कुछ बच्चों की जिंदगी संवर जाती है। किसी अनजान के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि क्या सोचते हैं वो। जरा सोचो, शायद उसके माँ बाप कातिल हों, या फिर किसी गलत काम में मुलविस हों, कुछ भी हो सकता है। वाकई हमें क्या पता। वैसे देखो, वो माहिर नफ्सियात कहते हैं ना कि खून में होता है, यानी मैं पड़ोसी के तौर पर और दोस्त होने के नाते बता रही हूँ, मैंने अपने बच्चे पालकर बड़े किए हैं, इसीलिए मैं जानती हूँ। वो मेलिसा कुछ अजीब है। हाँ कुछ मुख्तलिफ तो है वो। क्या कहा? कुछ हद करती हो माहिनूर, वो बहुत बातूनी है, उसका दिमाग आसमान पे है, उसकी आंखों में चमक नजर आती है, और वो बहुत ज्यादा खाना खाती है, वो एक बेचैन रूह है। झूठ नहीं बोलूंगी मैं, मैंने आज तक इतना सेहतमंद यतीम नहीं देखा। खैर अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, जब होगा तब सोचेंगे, लेकिन आपको तो ये बात अच्छी तरह मालूम है, मैतिन को समझाना कितना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, दुनिया तो पागल हो गई है माहिनूर। अब देखो ना, हम जब छोटे थे तो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोल कर सोते थे, गर्मियों की वजह से दरवाजे खिड़कियाँ खोलना मजबूरी थी, किसी से कोई डर नहीं था। अरे हाँ, तुम वो हाफिज और सुवाद को तो जानती ही हो ना। हाँ। कल ही कोई चोर उनके अस्तबल में घुस गया और उनके भेड़ और मेमनों को लेकर चला गया। बहुत बुरा हुआ, सबको चाहिए कि कैमरा लगवा ले। मेरा तो दम घुट रहा है। चलो मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है। वो लड़की आज रुकेगी क्या यहाँ? हाँ जाहिर है, अब इस वक्त तो बाहर नहीं निकाल सकते ना उसे,
सुबह देखी जाएगी। मगर जल्दी करना, उसको यहाँ का आदि मत बना देना। नहीं होने दूंगी, आप फिक्र मत करें। तो ठीक है फिर, अब चलती हूँ मैं। मेरे घर भी आना माहिनूर। जरूर आऊंगी मैं। कहती हो लेकिन आती नहीं, हमेशा टाल देती हो तुम। वादा है मेरा, बहुत जल्द आऊंगी। इंतजार रहेगा, ठीक है? ख्याल रखना। आप भी रखिएगा। शुक्रिया। क्या मुसीबत है। चलो चलती हूँ। शब बखैर। शब बखैर, एहतियात से जाइएगा। बहुत शुक्रिया। बिस्पामी गांव में रहती है, लेकिन ये जगह वहाँ से बिल्कुल अलग है। जन्नत का टुकड़ा हो जैसे। कुदरती हुस्न और कितना मौसम और साफ। माहिनूर बहुत ख्याल रखती है। दरअसल हम नामियाती काश्तकारी करते हैं, इसीलिए सफाई बहुत जरूरी है। और वो कैसे होती है? यानी कोई दवा, कोई मिलावट या मस्नूई खाद नहीं डालते। क्या ये मक्खियों को भी पसंद होती है? हाँ मेरे ख्याल से। फिर तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मक्खियों के बगैर जिंदगी खत्म हो जाएगी। मक्खियाँ अहम होती हैं। जैसे मैं हर सुबह शहद खाता हूँ। एक और बात, इन्हें यानी फूलों को ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, वो भी कुदरती हैं? नहीं, मेरा मतलब कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते। अगर तुम चाहो तो दिन की रोशनी में कल खेत देख सकती हो। रोशनी में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा तुम्हें। क्या तुम घोड़ा देखना चाहोगी? तुम देख लो जाकर, मैं ये जला कर आता हूँ। ये तो परियों की कहानियों से भी ज्यादा हसीन है। कैसे हो? अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये जगह भी खूबसूरत है। ये लो खाओ, बहुत अच्छी। शाबाश, तुम तो बहुत खुशनसीब हो गए यहाँ हो। शायद तुम्हारा नाम बख्तू होगा। कैसे हो बख्तू? मेलिसा जी, कहिए। देर हो गई है, चलते हैं आप। ठीक है। ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा लगा तुम्हें? बिल्कुल, बहुत मासूम है। यहाँ आओ लड़की, ये हमारा मेहमान खाना है, तुम आज रात यहीं रुकोगी। ये कमरा कितना चमकदार है। अरे वाह, ये चादर भी आपने बनाई है क्या? हाँ, जब मैं छोटी थी तब बनाई थी। ये बहुत प्यारी है, आपके हाथ में तो जादू है। इतना मुश्किल नहीं है, ये तो आम सी दस्तकारी है। कोई भी नहीं कह सकता कि ये आम सी चीज है। देखो, ये हमारे पास मेहमानों के लिए धुला हुआ नाइट सूट है। तुम्हें थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एक रात के लिए तुम्हें यही पहनना होगा। ठीक है माहिनूर साहिबा, हर चीज के लिए शुक्रिया। मैं आज से पहले इतने साफ बिस्तर पर कभी नहीं सोई। ठीक है, फिर अब सो जाओ तुम। शब बखैर मेलिसा। आपको भी। आज मैं एक शानदार होटल में रहूंगी। क्या हुआ?
कुछ कहना चाहते हो मैतिन? शब खैर कहना था। बस इतना ही? बहुत प्यारी बच्ची है ना वो, समझदार भी है काफी। अल्लाह उसे अपने खानदान से मिलाते हैं। उसका कोई नहीं है। मेरी दुआ है उसका खानदान हो जो उसे ले जाए। हाँ मगर अभी तक तो कोई नहीं आया। आह मैतिन, बात घुमाना बंद करो, वो नहीं रह सकती यहां। मगर कह दिया ना, इस बात पे मजीद बहस नहीं होगी। मैं थक गई हूं, जाते हुए लाइट बंद कर दोगे प्लीज? क्या हुआ? ये यतीम खाना तो नहीं है ना? मैं यतीम नहीं हूँ, यतीम नहीं हूँ मैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने आप लोगों को डरा दिया। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों से, माफ कर दे मुझे। हाँ ये सच है, तुमने वाकई हमें डरा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, डरावना ख्वाब था। जी माहिनूर साहिबा, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। ठीक है मेलिसा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये दरवाजा क्यों खुला है? मैं वो मिट्टी की खुशबू को महसूस करना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने ये दरवाजा खुला रखा। सर्दी के मौसम में दरवाजा खुला छोड़ना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। आपने ठीक कहा। चलो अब तुम दोबारा सोने की कोशिश करो, रात काफी हो चुकी है। ठीक है मैथिन, हमें भी अब जाकर सोना चाहिए। पता नहीं क्यों पागलों की तरह चीख रही थी मैं।
अलैकुम शहजादी। क्या कहा तुमने? क्या मैं गलती से आपके महल के बाग में आ गई शहजादी? गलती हो गई, माफ कीजिएगा। मैं बादलों की और कुदरत के खूबसूरत नजारों की तस्वीरें ले रही थी। क्या आपको कुदरत के नजारे पसंद है? बहुत पसंद है। आगे बहुत बड़ा दरख्त है, उसके साए में बादलों और पत्तों को देखना अच्छा लगता है। देखना चाहोगी? बहुत खुशी से। मैं दैफने हूँ। मैं मेलिसा हूँ, यानी दो एस के साथ, यानी नाम में दो एस है, मतलब मेरा नाम दो एस नहीं है। वैसे मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर भी मैं बताना चाहती थी आपको, क्योंकि माहिनूर साहिबा ने कहा कि मेलिसा और मेलिसा एक ही फूल का नाम है, एक ही बात है, हालांकि दोनों अलग बात है। माहिनूर तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं, मैं कुछ वक्त उनकी मेहमान हूँ। तुम यहाँ कब तक रहोगी? पता नहीं, शायद एक दिन या फिर शायद ज्यादा। काश मैं हमेशा यहीं रह सकती, लेकिन चीजें हमेशा मेरे हिसाब से कहाँ हो सकती हैं? तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं। मेरे बाल? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता, तुम अच्छे दिल की लड़की लगती हो, क्योंकि मेरे बाल धोने के बाद खुश्क नहीं होते। कंघी करो तो कंघी नहीं होती। छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन फिर रुक जाती हूँ। तुम्हारी अम्मी के बाल कैसे हैं? वो मैं नहीं जानती। क्या मतलब? मैं यतीम खाने में रहती थी। वो रहा दरख्त। जबरदस्त, कितना बड़ा दरख्त है, शानदार। इस दरख्त का नाम क्या है? मेलिसा, दरख्तों के नाम नहीं होते। तो हम रख देते हैं ना, चलो इसका नाम मुहाफिज रखते हैं। कैसे हो मुहाफिज? वैसे हम इसका नाम यकीन भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने साए से लोगों को बचाता है। लेकिन एक छोटा दरख्त भी लोगों को धूप से बचा सकता है, एक छोटी छतरी भी, क्योंकि उसका मतलब साया, छतरी साया देती है। मैं बहुत बोल रही हूँ ना, कम बोलने की कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी ये हाल है। सही कहा। तब देखना जब मैं बातें करने पे आती हूँ। तुम बहुत मजाहिया लड़की हो, काश ऐसा होता कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए आकर रहती, फिर हम अच्छे दोस्त बन जाते। क्या कहा, दोस्त? बिल्कुल, हम दोनों। तुम नहीं चाहती क्या? हाँ चाहती हूँ मैं, फिर ये दुनिया मेरी होगी। लेकिन मुझे जरा हैरत है, तुम्हारी जैसी मौजूद और खूबसूरत लड़की मुझ जैसी यतीम और बदसूरत लड़की। क्या कह रही हो तुम ये? तुम बदसूरत नहीं हो। नहीं हूँ मैं? बिल्कुल नहीं। और मैं शहजादी नहीं हूँ, मेरे खानदान में कोई बादशाह या मलिका नहीं है। कोई नहीं, अब मैं ख्वाब में तुम्हें ऐसे ही देखती हूँ, एक मौजूद हसीन शहजादी। लेकिन हेलिना नहीं, वो एक मुख्तलिफ शहजादी है। और हमारा दरख्त मुहाफिज एक बहुत ही खूबसूरत शहजादा था, ताकतवर और हसीन। तुम्हें प्यार हो जाता है, लेकिन चुड़ैल शहजादे पे जादू करके उसे दरख्त बना देती है। लेकिन तुम्हें पता नहीं होता, जब भी तुम दरख्त के नीचे आकर खड़ी होती हो तो खुश हो जाती हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम यहाँ आकर खुश क्यों हो जाती हो। तुम्हारी बातें सुनता है, अपनी शाखें फैलाकर तुम्हें बारिश और धूप से बचाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। कितनी अच्छी कहानी है, अभी बनाई है तुमने। तो क्या अब हम दोस्त हैं? हाँ मेरे ख्याल से। ये इस कहानी से ज्यादा खूबसूरत है। दैफने, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज है, मैं नजर ना हूँ तो परेशान हो जाती हैं। क्या वो भी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे? हाँ हो सकता है। मैं जाकर उन्हें देखती हूँ, अगर वो सो रहे होंगे तो नाश्ता बना के उन्हें हैरान कर दूंगी। ठीक है, ख्याल रखना मेलिसा। फिर मिलते हैं शहजादी।
महनूर साहिबा, कितनी प्यारी सुबह है ना। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने रात को काफी आप लोगों को परेशान कर दिया था, बस उसी की तलाफी कर रही हूँ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस घर में एक मेहमान हो। जी मैं नहीं भूली। सुनो लड़की, यहाँ के कुछ कायदे और उसूल हैं, बाबर्ची खाने के भी हैं। ये बर्तन नाश्ते में इस्तेमाल नहीं होते, और ये कांटे छुरियां सिर्फ रात के खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरी मानो तो अपनी नाक उन कामों में नहीं घुसाओ जिनका तुम्हें नहीं पता, और यही तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छी सलाह दी आपने, कोई तंज नहीं, मैं दिल से मुत्तफिक हूँ आपसे। सुबह बखैर।